अपने तलवे पर लिख दें ये चीज़, सारे शत्रु आपका पीछा करना छोड़ देंगे। मैं हूँ उमाश्री, आज एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत संक्षिप्त जानकारी है लेकिन बहुत ही काम की है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, आपके सामने आपके शत्रु उपस्थित हो जाते हैं जो आपके हर काम में रुकावट पैदा करते हैं, आपको सम्मान नहीं दिलाने देते, आपके लिए चुगलखोरी करते हैं, तो उनसे बचने के लिए जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है उसका नाम आप अपनी चप्पल का जो नीचे वाला हिस्सा है या तो उस पर लिखें या फिर अपने तलवे पर लिख लें। अपने तलवे पर मतलब जो आपके पैर का निचला हिस्सा है उस पर आप लिख लीजिए। इसके बाद आप उसको बस चलने फिरने का काम करिए लेकिन बिना चप्पल के, और अगर चप्पल पहनकर आप घर में घूमते हैं तो चप्पल पर लिख दीजिए। उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी करने के लिए चुगलखोरी करता है, आपको अपना काम तरीके से नहीं करने देता, आपके हर काम में अड़ंगेबाजी करता है। तो जो व्यक्ति भी आपसे चिढ़ रहा है, आपके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसका नाम या तो अपने तलवे पर लिख लीजिए या फिर आप अपनी चप्पल पर लिख दीजिए। और लेकिन चप्पल को पहनकर चलना ज़रूरी है। अगर आप बिना चप्पल के ही घर में चलते हैं, मतलब चलने फिरने का काम बिना चप्पल के ही करते हैं, तो आप अपने तलवे पर भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होगा और वो किसी भी तरह से आपका अपमान करने का साहस नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दो काम और करने पड़ेंगे। आपको रविवार के कम से कम 11 व्रत करने पड़ेंगे और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ डेली करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये उपायों को बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त होती है और इसीलिए हम आपको ऐसे उपाय बताते हैं। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाना है, लेकिन यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो फिर अपने स्वास्थ्य को देखकर ही आप कोई भी उपाय करें। जब भी मैं कोई उपाय बताती हूँ व्रत संबंधी, तो आपको अपनी हेल्थ के हिसाब से करना चाहिए। मैं आपको बाध्य नहीं करती हूँ क्योंकि आपका स्वास्थ्य पहले है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ पूजा कर लीजिए आप, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पाठ भी आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परम प्रिय मित्रों।